मेरा नाम आयशा शाहिद शेख है और मैं एक महाराणा से आती हूँ। मैंने BS ऑनर्स किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी में और उसके बाद मैंने MS किया है वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके अलावा मैं NLP और हिप्नोसिस जो कि साइकोथेरेपी कुछ टेक्निक्स हैं उसमें मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और इसके अलावा मैंने कपल्स काउंसलिंग में कैन इंस्टीट्यूट UK से भी ट्रेनिंग ली। एक माहिर नफ्सियात में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक वो थेरेपिस्ट होता है या एक वो माहिर होता है जो कि लोगों की मूड के रवैयों की और सोचों की परेशानियों के साथ डील करता है। रोज़मर्रा के औकात में बहुत से लोग अपनी सोचों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में मुबतला हो जाते हैं। अक्सर लोग खुद इत्मादी की कमी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। इसके अलावा बच्चों में जो रवैयों के मसले आते हैं जिसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं या कोई इंटेलिजेंस के मसले जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे नफ्सियात जो होता है वो डील करता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंस के अंदर। साइकियाट्रिस्ट एक वो शख्स होता है जिसने MBBS किया होता है, उसके अलावा उसने साइकियाट्री या मेडिकेशन जो दिमागी अमराज की मेडिकेशन होती है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन अख्तियार की होती है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया होता है या PhD की होती है। ये वो लोग होते हैं जो कि जो सोचों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ डील करते हैं। ये लोग ट्रेंड होते हैं थेरेपी के अंदर, हिप्नोसिस के अंदर और डिफरेंट बेशुमार CBT या NLP टाइप की टेक्निक्स के अंदर जिसके जरिए लोगों के रवैयों को उनकी सोचों के ऊपर काम करके बेहतर बनाया जाता है। अक्सर हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके अंदर दवाई से ज़्यादा थेरेपी की जरूरत होती है, बिकॉज अगर थेरेपी ना दी जाए तो क्या होता है, मसला बढ़ता जाता था। इस केस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की खिदमत को हासिल करना पड़ता है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके साथ और सेल्फ इस्टीम के इशूज़ जो होते हैं उनके साथ डील करती हूँ। इसके अलावा बच्चों में जो रवैयों के मसाइल होते हैं या मूड के मसाइल या आप समझे कि पढ़ाई लिखाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिसकी वजह नहीं पता चल रही होती, उसके साथ भी मैं डील करती हूँ। लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? अगर हमारा रोज़मर्रा के मूड को देखा जाए तो हमारा मूड ऊपर नीचे होता रहता है। फ़र्ज़ करें अगर आपका मूड जो है ज़्यादा दिन के लिए ख़राब रहना शुरू हो जाए, आपका मूड जो है वो ठीक ना हो रहा हो, बुराई चल रहा हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, अगर आपको लगता है कि भी आप अपने स्पाउस या अपनी जो वाइफ या हस्बैंड है उनके साथ बेवजह जो है लड़ाई झगड़ा प्यार कर रहे हैं, बहुत टेंशन में है, परेशानी में है, तो ये सारी अलामत हैं जब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि हम अपनी सोचों की वजह से या अपनी खुद इत्मादगी की कमी की वजह से बहुत से वो वाले काम जो कि करना चाहिए हमें वो नहीं कर पाते। इस केस में भी साइकोलॉजिस्ट जो आपको हेल्प कर सकता है कि आप कैसे अपनी खुद इत्मादगी के ऊपर काबू पा सकें और अपनी प्रॉब्लम जो है उनके ऊपर काबू पाते हुए एक बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अगर आप उससे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मैं मिलती हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक करती हूँ। आप मरहम के प्लेटफॉर्म के जरिए मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप मरहम की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर मेरी डिटेल अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।